Experience the care of Narayana Health. हेलो दोस्तों, वेल्कम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। और आज एक और नई एपिसोड लेके हम आपके साथ आए हैं। इस जर्नी में हम अब 41st एपिसोड पे आप पहुंच गए हैं और ज़्यादातर एपिसोड्स आपसे फीडबैक लेके ऐसे कुछ सवाल जो आपके दिल में हमेशा आते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, हमने अपने डॉक्टरों से वो किए। और आज इस 41st एपिसोड में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को लेके, जो आई थिंक हम सब लोग उससे कभी ना कभी सफ़र करते हैं, वो एसिडिटी, हार्ट बर्न या जिसको कहते हैं पेट में दर्द होना, गैस्ट्राइटिस, फूड पॉइजनिंग हो जाना, उसके बारे में बात करने के लिए एक बहुत ही यंग और डायनेमिक मेडिकल गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर निखिल महाजन, जो कंसल्टेंट गैस्ट्रेंटोलॉजी श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और हम इससे पहले इस बड़े कॉमन टॉपिक पे बात करें, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ, आप अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं। यस हाय, जैसे सर ने बताया, आई एम डॉक्टर निखिल महाजन, आई एम करेंटली वर्किंग विद नारायणा जम्मू। आई हैव अ क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 11 इयर्स इन। तो डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि आर गैस्ट्रिक सिस्टम या जो हमारा पेट और स्टमक है, वो हमारा इंजन है बॉडी का, यू नो, एंड जो हम खाना खाते हैं वहीं पे वो डाइजेस्ट होता है वगैरह। सो आप यू नो, कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि जब हम खाना खाते हैं तो होता क्या है, वेयर डज इट गेट डाइजेस्टेड, हाउ डज द प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले लोगों को ये बताएं कि जब अगर हम खाना खाते हैं तो उसका होता क्या है, और सबसे कॉमन कारण इनडाइजेशन के, जो ये खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट ना हो, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, उनके बारे में आगे बात करेंगे, इसके बारे में बताइए। सर देखो, खाने के जो प्रक्रिया है ना, इट स्टार्ट्स व्हेन वी सी द फूड, तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप देखते हो, कई खाने होते हैं जैसे देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द फूड। बेसिकली व्हेन वी सी अ फूड, तो सिक्रीशन स्टार्ट इमीजिएट। इट्स नॉट दैट जब खाना मुंह में जाएगा तब शुरू नहीं होगी डाइजेशन, इट स्टार्ट्स बिफोर वी इट एंटर्स द मुंह। वी कॉल इट किफेलिक फेज ऑफ डाइजेशन, इंटेस्टिनल फेज ऑफ डाइजेशन, दे आर डिफरेंट फेजेज ऑफ डाइजेशन बेसिकली। तो हमारी बॉडी प्रिपेयर करना शुरू करती है, उसी तरीके से जैसे हमें सिखाया जाता है वी हैव टू च्यू द फूड बिफोर वी टेक इन। तो उसमें क्या रहता है, हम च्यू करते हैं तो इतनी देर बॉडी में और एंजाइम्स प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फूड वी आर ईटिंग। मैं पूरे डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, दे आर कार्ब्स, दे आर फैट, दे आर प्रोटीन्स, डिफरेंट इंजाइम्स चाहिए होते हैं हर एक को अब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे हम मुंह में रखते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजाइम एक्टिविटी दे स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ, स्टमक इटसेल्फ एंड द इंटेस्टाइन्स। हर एक का अलग अलग रोल है। मुँह का रोल है खाने को अच्छे से तोड़ के अंदर पहुँचाना, इसलिए बात नहीं करनी चाहिए खाना खाते हुए। वी शुड टेक टाइम बिफोर वी स्वेलो द फूड, स्लोली च्यू करके स्वेलो करना है। बिकॉज इफ वी टेक इट गल्प इट इन साइड, देन वॉट विल हैपन इज फूड की डाइजेशन विल हैम्पर। इसलिए स्लो एसिमिलेशन अंदर जाएगा, जब स्टमक में पहुंचता है देन वॉट हैपन्स, इट ब्रेक्स डाउन, देर इज एसिड विच एक्ट्स ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन सो दैट इंजाइम्स उसको अब्जॉर्ब कर सकें। स्टमक का खाना, स्टमक इज अ रिजर्वायर, जो ट्रांसफर हुआ फूड का हमारे माउथ से स्टमक के अंदर, देन वहाँ से ब्रेक डाउन होता है, देन इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहाँ से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स। सो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ हाउ द डाइजेशन ऑफ फूड हैपन्स। ओके, एंड आई आस्क की कॉमन कॉजेज, मतलब ये डाइजेशन अगर एक स्मूथ प्रोसेस है, सबको स्टमक में जमा हुआ और इंटेस्टाइन से आपका एब्जॉर्ब हो गया, What causes this process to get disrupted? वो क्या इसके causes? सर देखो, इट्स लाइक इंजन, जैसे गाड़ी चल रही है, डिफॉल्ट्स तो आएंगे, बिकॉज ऐसा नहीं गाड़ी हमेशा चलती नहीं है, बट हमारा जो फूड का ये सिस्टम है चलना ही है, इट कैनॉट स्टॉप अनलेस एंड अनटिल। आप समझो किसी को फ्रैक्चर हुआ है, वॉट विल हैपन इज हम उसको प्लास्टर करके साइड पर रख देंगे, वी वोंट मूव दैट पार्ट, बट इंटेस्टाइन्स को वी कैनॉट स्टॉप, इट हैज़ टू कीप रनिंग, चर्निंग एंड ऑल। सो दिस प्रोसेस कैनॉट स्टॉप। तो सिम्टम्स के साथ पेशेंट को ऑब्वियसली बीच में सिम्टम्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट द रीजन इज द टाइप ऑफ डाइट वी आर कंज्यूमिंग, बिकॉज इफ द बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, वी आर ओवर ईटिंग द जंक फूड, जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उसमें फैट कंजप्शन, ट्रांस फैट्स ज़्यादा रहते हैं, उनकी डाइजेशन में इट टेक्स टाइम। व्हेन एसिड एक्ट्स ऑन द डाइट एंड सर्टेन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस, ऑब्वियसली जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, दो चीज़ों की रिएक्शन होती है, गैस प्रोडक्शन होती है, सेम वे इट हैपन्स इन आर एब्डोमेन ऑल्सो। व्हेन देयर इज फूड, ऑब्वियसली इट विल ब्रेक डाउन, गैसेज विल फॉर्म, एंड डिपेंडिंग ऑन वॉट वी आर ईटिंग उस हिसाब की गैसेज बनती हैं, एंड दिस ऑल लीड टू सिम्टम प्रोडक्शन ऑल्सो।
डॉक्टर साहब, पेशेंट्स जैसे कई बार आपके पास नहीं भी आते, बट नॉर्मल फैमिली में बात कर रही है कि मुझे खट्टी डकार आ रही है, कोई कहते हैं कि ये ना मुझे मिचला रहा है मेरा, यू नो, यहाँ पे कई कहते हैं मुझे गैस बन रही है. आई मीन कॉमन जो वर्ड्स यूज करते हैं लोग वो यही होते हैं, या मेरे को पेट में दर्द हो रहा है यहाँ पे ऊपर. सो क्या ये अलग अलग चीजें हैं सारी की सारी, और उनमें क्या डिफरेंस है और क्या मतलब है इनके, मतलब एसिडिटी होना का क्या मतलब है, हाउ डज दिस वर्ड कम? यस सर, एक सिंपल सा टर्म है, व्हाट वी यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इज डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी फंक्शनल. फंक्शनल मीन फंक्शनैलिटी, उसकी कुछ नहीं है, कुछ मेजर नहीं है, इट्स ओनली फंक्शनल. फंक्शनल इज रिलेटेड टू आर साइकोलॉजी ऑल्सो. द पीपल हु आर टू स्ट्रेस्ड, ओवर थिंक, दे हैव मोर डिस्पेप्सिया, दैट इज फंक्शनल डिस्पेप्सिया. उनमें इंडाइजेशन भी होती है, जिनको हम इरिटेबल बाउल कहते हैं. IBS एंड फंक्शनल डिस्पेप्सिया, दे गो हैंड इन हैंड. अनदर थिंग इज ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया, तो उसके लिए वी आर डॉक्टर्स. तो एवरी पेशेंट हु हैव ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया और सिम्टम्स ऑफ ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया, दे शुड सी अस. सिम्टम्स में रेड फ्लैग्स, जैसे कि वेट लॉस होना, खून कम होना, भूख कम लगना, अलॉन्ग विद जो नॉर्मल एसिडिटी है, गैस ब्लोट के साथ ये सिम्टम्स हों, दीज आर रेड फ्लैग्स, देन दे शुड सीक अ डॉक्टर. अदरवाइज सिंपल डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हैं, बिलो 40 हैं पेशेंट, तो दे शुड जस्ट डू द डाइटरी कंट्रोल, विच ऑब्वियसली विल डिस्कस, एंड थोड़े से चेंजेस करेंगे जो हम बताएंगे, या ओवर द काउंटर ड्रग्स ले सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा. डॉक्टर साहब, आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स की बात की, तो वहीं पर चलते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जा रहा हूँ. तो ज़्यादातर घरों में जब किसी को एसिडिटी होती है या यू नो ये होती है, तो डॉक्टर के पास लोग ज़्यादातर नहीं भागते, आपने भी देखा है. मोस्ट ऑफ देम आइदर टेक एन एंटासिड ले लेंगे, डाइजीन जैसे घर में होती है, टैबलेट खा लेते हैं या सिरप पी लेते हैं. ओवर द काउंटर चीज़ें जैसे इनो कहते हैं, भैया आपने इनो पी लो तो आपकी पेट, और यू नो एड्स भी बहुत आते हैं लोगों को दिखाते हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ सेफ आर दीज ड्रग्स एट वेन यूज एट होम? एंड आपने थोड़ा सा बताया कि डॉक्टर के पास कब आना चाहिए. सो इन एडिशन टू व्हाट यू सेड दैट 40 के ऊपर और लगा, आई मीन इन एडिशन टू द रेड फ्लैग्स दैट यू हैव सेड, वुड यू रेकमेंड दैट पीपल शुड टेक दिस और कंटिन्यूसली अगर होता आ रहा है, और यू नो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. सर देखो, अगर एनी शॉर्ट एंड ऑनसेट डिस्पेप्सिया, थोड़ी देर का लेस देन 4 वीक्स की हिस्ट्री है, then there can be something abnormal going on inside, then he should seek a doctor. Above 40, sudden onset dyspeptic symptoms hai, gas, bloating, then they should consult. Weight loss, anemia, blood kahin se nikal raha hai, jaundice ho raha hai, iske saath associated, then they should seek a doctor consultation. But kahin ki prolonged history rehti hai, bachpan se acidity banti hai, then obviously in between they must have seek a doctor consultation. Off and on, jaise aap puch rahe ho, achanak se aisa ho gaya, what they should do? देन डेफिनेटली ओवर द काउंटर ड्रग्स आर देयर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो PPIs रहते हैं, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स हैं वो, तो बेसिक सा कोई भी PPI विल एक्ट. वॉट दे डू इज वो एसिड प्रोडक्शन कम करते हैं. वी कैनॉट स्टॉप द एसिड प्रोडक्शन बिकॉज वी हैव टू ऑब्जॉर्व द फूड. खाने को तोड़ना है तो एसिड चाहिए है, तो वॉट वी डू इज वी डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन. दे आर सर्टेन पम्प्स इन साइड, नॉर्मल जैसे मोटर चलती है वैसे पम्प्स होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब खाना अंदर आता है. वी ब्लॉक दैट विद एसिड, ये इन्हीं ड्रग्स के साथ उनकी ब्लॉकेज से एसिड प्रोडक्शन कम होती है, एंड दे गेट इमीजिएट रिलीव्स. एंड जैसे डाइजीन वगैरह, दे आर नथिंग बट एसिड कोटर्स. वो एसिड की जो परत होती है उसके ऊपर एक कोटिंग लेयर बना देते हैं जिससे इमीजिएट रिलीफ मिलता है. आप देखोगे कोई भी जो गैस का कैप्सूल खाता है, जैसे पेंटोप्राजोल लेता है, उसे इमीजिएट रिलीफ नहीं मिलेगा. इनो हो गया जो आपने बताया, या डाइजीन होगी, दे गिव इमीजिएट ठंडा सा एहसास देते हैं बिकॉज दे कोट द एसिड लेयर, तो उसे इमीजिएट रिलीफ मिलता है. दे कैन टेक इट, द पेशेंट्स कैन टेक इट, बट दे शुड बी अवेयर ऑफ द रेड फ्लैग्स, शॉर्ट ऑनसेट डिस्पेप्सिया एंड अदर सिम्टम्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड. वैसा कुछ है तो इमीजिएट डॉक्टर कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड. दोस्तों, डॉक्टर निखिल ने एक बहुत सिंपल तरीके से हमें पहली बार तो समझाया कि जब हम खाना खाते हैं हमारे दिमाग में रहता है तो कैसे वो डाइजेस्ट होता है उसके बारे में बताया. उन्होंने फिर जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि किस कब उनको एक पेशेंट को एक डॉक्टर के पास आना चाहिए, रेड फ्लैग्स कौन से होने चाहिए, उनके बारे में उन्होंने बताया. अगर आप डॉक्टर निखिल से और बातें करना चाहते हैं तो जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे है उससे हमारा जो NHCare ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और डॉक्टर निखिल महाजन से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या www.narayanahealth.org पे जाके भी आप डॉक्टर निखिल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और कोई दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनके बारे में भी बात कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, हम आपने एसिडिटी को जो थोड़ा टच किया था उस पर थोड़ा सा मैं और चलूंगा दो चीज़ों पे. जब कई बार जो खट्टी डकार आती है वो मुंह के अंदर यू गेट दैट सार फीलिंग की कुछ आया है, यू नो एक उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि
What happens, you know, when once that happens? And I also want you to touch on food poisoning. Yes. मैंने कई बार देखा है कोई ट्रेन से जा रहा है कुछ खाना खाया and it can be very very severe. I have known people जो अचानक उल्टियाँ शुरू हो गई और you know you start passing loose motions, dehydration हो जाता है. तो एक तो ये जो एसिड जो मुंह में आता है क्यों आता है इसको क्या करना चाहिए एंड फूड पॉइजनिंग के ऊपर जरा प्लीज बताइए कि अक्रॉस द बोर्ड शादियों के सीजन में लोग को हो जाती है कुछ खाना खा लो तब हो जाती है इस ये जब हो कैसे होती है क्या इलाज है इसका सर देखो सबसे पहले दो अलग अलग टर्म्स है एसिडिटी एंड रिफ्लक्स तो एसिडिटी इज नॉर्मल जो मैंने कहा फंक्शनल डिस्पेप्सिया जिनको भी स्ट्रेस होता है नॉर्मल एसिड प्रोडक्शन होती ही है कहीं को हाइपर सेंसिटिविटी टू एसिड रहता है एसिड बनता है तो दे फील लाइक कुछ है पेट में जलन हो रही है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी टू एसिड उस केस में वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट फॉर फंक्शनल बाउल उसके लिए मेडिसिन हैं डाइटरी चेंजेस विच वी विल डिस्कस एंड सेकेंड इज जो आपने कहा मुंह में पानी आना खट्टे डकार आना दैट इज रिफ्लक्स रिफ्लक्स क्या होता है जैसे दे आर टू रूम्स तो उनके बीच में एक डोर है अगर दरवाज़ा कमजोर रहेगा तो देर बी सर्कुलेशन ऑफ एयर दोनों रूम्स में रहेगी दैट इज़ अ सिंपल कंसेप्ट ईसोफेगस हमारी फूड पाइप रहती है नीचे स्टमक रहता है तो देर इज़ अ वैल्व बिटवीन देम व्हेन दैट वैल्व इज वीक देर बी अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ फूड बिलो फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स तो दैट इज हर्निया हाइटस हर्निया विच इज़ वेरी कॉमन बट देर आर सर्टेन पेशेंट दैट दे फील लाइक मुंह में पानी आना खट्टे डकार आना उसको हाइटस हर्निया कहते हैं रिफ्लक्स के लिए भी हमें थोड़े डाइटरी चेंजेस करने हैं थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं विच विल हेल्प देम फूड पॉइजनिंग के बारे में सर दिस इज़ वेरी कॉमन इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर ईटिंग सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा कि वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग वी कॉल इट ट्रैवलर्स डायरिया वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग वी शुड अवॉइड अनकुक्ड फूड सिंपल सा लॉजिक है सैलड्स बिल्कुल नहीं खाने हैं बिकॉज ये अनकुक्ड हाथ यूज होते हैं तो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम हैंड टू हैंड तो हाथों से ही इन्फेक्शन होती है जो भी अनकुक्ड फूड है नहीं खाना है कुक्ड फूड वी कैन ईट इवन चिकन वी कैन ईट इवन हर चीज़ खा सकते हैं बिकॉज बॉयलिंग से हर बैक्टीरिया मर जाता है सो कुकिंग हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग इन्फेक्शन हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट खाना खाने से पहले हाथ धोना बिकॉज वेन यू आर ट्रैवलिंग थोड़ा हैंड हाइजीन में इश्यूज रहते हैं और अनकुक्ड फूड अवॉइड करने हैं बाहर का खाना जो कि जैसे पानी पूरी हो गया गंदा वाटर हो गया दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड दीज कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट बैक्टीरिया एक्ट इन डिफरेंट वे कई उल्टियाँ कराते हैं इमिजिएटली खाने के बाद कई 12 घंटे के बाद लूज मोशंस कराना शुरू करते हैं फॉर दैट ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन इज अ रिस्क दे शुड सीक अ मेडिकल कंसल्टेशन बट प्रायर टू दैट अवॉइडेंस इज इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू अवॉइड दैट इज इम्पॉर्टेंट बिफोर आई गो टू मेडिसिन दवाइयों के ऊपर जा या ट्रीटमेंट के ऊपर में जाने से पहले एक छोटी सी बात और मैंने देखी है कई बार जिन लोगों को ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं उनको सिरदर्द भी होता है कहीं इट्स आई डोंट नो सो आई वांट टू नो देयर इज अ कोरिलेशन या क्यों होता है सिरदर्द जब ये सब होता है क्या करना चाहिए सर व्हाट हैपेंस इज कई बार हेडेक जिसको वेरी कॉमन हेडेक टाइप ऑफ आई एम नॉट न्यूरोलॉजिस्ट बट वेरी कॉमन टाइप ऑफ हेडेक विच इज माइग्रेन उसके ऑरल सिम्टम्स में भी एसिडिटी रहती है दे फील लाइक गैस इज गोइंग इनटू द हेड तो इट इज़ अ माइग्रेनस हेडेक विच इज कॉजिंग दीज सिम्टम्स एंड दे रॉन्गली सीक अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन सो देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दैट ऑल्सो बट इन एनी केस इवन एसिडिटी रहेगी डिहाइड्रेशन होगा वॉमिटिंग्स होंगी तो जो हमारा सर्ज ऑफ ब्लड प्रेशर इट राइजेज एंड पेशेंट कैन हैव हैवी हेड एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ एसिडिटी ऑल्सो अदरवाइज बिकॉज ऑफ हेडेक ऑल्सो पेशेंट कैन हैव दीज सिम्टम्स सो इट इज कोरिलेटेड यू नो दोनों तरह डॉक्टर साहब आपने सिम्टम्स बता दिए हमने आपने एक्सप्लेन कर दिया पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छी चीज़ें बताई अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं सो आपने कहा ओवर द काउंटर भी कई लोगों ने खा ली जैसे डाइजीन खा ली इनो खा ली यू नो कई दवाइयाँ खा ली अब पेशेंट आपके पास आ गया अब उसका क्या ट्रीटमेंट ज़्यादातर आप करते हो ऐसे केसेज में सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट हमें करना क्या है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द पेशेंट हैज़ इफ़ ही हैज़ रिफ्लक्स सिम्टम्स मुंह में पानी आता है खट्टे डकार आते हैं उन केसेज में इफ दे आर रेड फ्लैग्स वी गो फॉर एंडोस्कोपी टू सी देयर इरोजन कोई जख्म तो नहीं है अंदर अदरवाइज हम उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अर्ली डिनर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लेट डिनर्स टू अवॉइड हैवी डिनर्स टू अवॉइड फैटी मील्स टू अवॉइड जो भी रिफाइंड शुगर्स हैं एंड स्पाइसी फूड ये चीज़ें अवॉइड करनी है लेफ्ट साइड पे सोना है बिकॉज व्हाट हैपन्स इज व्हेन वी लाई डाउन स्ट्रेट और उल्टा लेटते हैं तो देयर इज अ एंगल बिटवीन ईसोफेगस दैट ब्रेक्स डाउन और रिफ्लक्स ज़्यादा होता है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन थोड़ा हेड एंड एलिवेट करके सोना है अर्ली डिनर्स लेने हैं सो दैट खाना नीचे चले जाए इट शुड नॉट रिफ्लक्स ये सिम्टम्स आगे रिफ्लक्स के लिए और अदरवाइज खाने में हमें क्या प्रेस करना है जो मैंने कहा था overtly heavy meals avoid करनी है fastings avoid करनी है late dinners थोड़ा सा walk करना है
जिनको एसिडिटी रहती है उनको पता होना चाहिए व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज एसिडिटी. देयर इज अ लिस्ट ऑफ फूड मटेरियल विच कैन कॉज. मोटा मोटा मैं बताऊंगा, रेड बीन्स दे कॉज अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग इन पेशेंट्स, कम रखना है जिनको ऐसे सिम्टम्स रहते हैं. मैदा should be decreased, garlic should be decreased, spices obviously, and milk in its whole form. Because what happens with age, the your capacity to digest milk, it starts going down. Because then enzyme which absorbs, which digests milk, उसकी वो कम होना शुरू हो जाता है. तो इसलिए milk की digestion कम होती है. It causes a lot of bloating, gas formation, acidity. तो milk consumption should be decreased. So ये छोटे थोड़े से measures जो अगर हम लेंगे lifestyle में, that helps in a long way. Other than that, over-the-counter drugs, जिसमें कि सबसे पहले तो इमीडिएट रिलीफ के लिए डाइजिन ले सकते हैं, कोई भी सुक्रालफेट्स पीपीआई या और दूसरा इनो ले सकते हो, और देन पिल्स लाइक पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेनिटिडीन जिसको हम एसिलॉक कहते हैं, ये हेल्प करते हैं. बट अगर रेड फ्लैग्स हैं, शॉर्ट ऑनसेट हिस्ट्री है, वेट लॉस है या परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, देन दे शुड डेफिनेटली सीक अ डॉक्टर. डॉक्टर साहब, जब मैंने ये हमने ये शुरुआत की थी इस सीरीज की, तो प्रिवेंशन वाज ऑन टॉप ऑफ आवर ब्रेन, एंड ऑल्दो यू हैव सेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट प्रिवेंशन, आई वांट यू टू लिटिल बिट मोर एम्फसाइज ऑन टू थ्री थिंग्स नाउ. वन इज रेगुलर हेल्थ चेकअप जो हम कराते हैं, इज देयर समथिंग स्पेसिफिक टू आर गैस्ट्रिक सिस्टम विच यू थिंक शुड बी डन वंस इन अ ईयर लेट अस से, और हु शुड डू इट, एंड ऑल्सो लिटिल बिट मोर ऑन लाइफ स्टाइल. ऑल्दो यू हैव टॉक्ड अबाउट द फूड हैबिट्स, what about exercise, what about sitting, what about you know these things, so is have you seen people who do all these things have lesser symptoms and all that, so can you please tell us prevention. So diet though is very important, as I said, all these trans fats, acidic cheeze hame avoid karni hai, refined sugars jo bachcho mein aajkal habits hain, baith ke mobile dekhna and khana, these should be avoided. Regular exercise, 30 minutes of walk of a day, 30 minutes walk a day for 5 days minimum bhi kar le, that is more than sufficient. It helps in digestion, it helps in absorption. Wo liver ko bhi acha hai, which we have not touched. Fatty liver mein it is very important. Ye, because all the systems are interconnected. Aisa nahi hai ki liver alag hai, digestion alag hai, brain alag hai. All systems are connected. So we have to just focus on jo humare haath mein hai. Diet, lifestyle changes, these are very essential for a smooth functioning of our body. Is there anything specific which you think people who really have this, ki theek hai koi aisi serious baat hai nahi, but they go on to this again and again, any very specific foods that they should just not take? Aisa nahi hai sir, it all depends on patient to patient, because we have certain diets for different patients, like dyspeptic diet is different, reflux diet is different, fatty liver diet is different. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि ट्रांस फैट्स शुड बी अवॉइडेड. तो लेना भी है तो कम मात्रा में लो रिफाइंड फैट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फ्रॉम कार्डियो, फ्रॉम डाइजेशन पार्ट. अर्ली डिनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, और कोई भी रेड फ्लैग्स हो तो यू शुड सीक अ कंसल्टेशन. लास्ट क्वेश्चन, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इंडियंस चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक घर में गए चाय पी लो जी, फिर चाय पी लो जी, वहाँ गए चाय, ऑफिस में चार बार चाय, पाँच बार चाय. Specifically to tea drinking, is it something that causes a lot of problems? Sir, it can cause because of the milk mainly. I told ki just milk should be decreased, because what happens with milk, a lot of gas formation occurs, or tea obviously it causes more acidity. So it's a deadly combination is formed. So whosoever wants to drink, obviously we all people like drinking in India especially. So what I'll tell you is, cut down on this pre-drinking habit, but if we have to, just cut down on the milk content. More of water tea, like we can take lemon tea, green teas are there, even black tea is okay, even normal milk tea, but with less of milk, that will help. दोस्तों, डॉक्टर निखिल महाजन, जो मैंने पहले भी कहा, इज अ वेरी टैलेंटेड यंग यू नो मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हु हैज आई मीन यंग बट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ही इज वेरी वेल रिनाउंड मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया. आई थिंक उन्होंने आज बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे खान पान के बारे में, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिसके बार बार आपने कहा था इसके बारे में बात कराएं, आज हमने डॉक्टर साहब से बात की. अगर आप डॉक्टर साहब से फिर से बात करना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, तो www.narayanahealth पे जाके डॉक्टर निखिल महाजन से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या हमारा QR कोड जो इस समय आपकी स्क्रीन पे है उससे NHKR ऐप डाउनलोड कीजिए, और फिर से डॉक्टर निखिल महाजन से आप बात कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर कुछ और दिमाग में है तो आप उनसे बात कर. डॉक्टर साहब, आज
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. यू हैव रियली सिंप्लीफाइड ए प्रॉब्लम जो शायद हम हर व्यक्ति कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता ही है. आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.